स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल हिम तक पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का जो ओल्ड क्वेश्चन पेपर था वो हम आपको लेकर आए आपके लिए। तो अगर आपका एग्ज़ाम आ रहा है, ठीक है, अभी एग्ज़ाम जितने भी HPPSC के होंगे तो उसके लिए आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, क्योंकि बहुत से ज़्यादा क्वेश्चन इससे रिपीट होते हैं हर बार, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको एक बार क्वेश्चन पेपर आ गया तो वो दोबारा नहीं आएगा। तो आज हम आपके लिए HPPSC का ओल्ड क्वेश्चन पेपर लेके आए हैं, ठीक है। तो अंत तक देखिएगा, हिमाचल GK के जितने क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं वो हम आपको बताएंगे। तो 70 से 75 क्वेश्चन करने के हम आपको बताने की कोशिश करेंगे विद आंसर उसके। तो आप अंत तक वीडियो को देखिएगा। वीडियो को आपने इसके बाद लाइक ज़रूर करना है। अगर आपको अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर करिएगा, अगर अच्छी नहीं लगती तो आप लाइक ना करें, ठीक है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये ओल्ड क्वेश्चन पेपर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, ठीक है। ये आपके किस प्रकार से इंस्ट्रक्शन दिए हुए आप उनको देख सकते हैं, इसी प्रकार से आपके एग्ज़ाम होते हैं। जिन लोगों के पहली बार एग्ज़ाम हो रहे हैं उनको लिए बता देता हूँ मैं, ठीक है, कि इस प्रकार से आपके एग्ज़ाम होते हैं। क्वेश्चन आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में आते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा गया था, विच रेवे डिवाइड सिरमौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ HP इंटू टू ऑलमोस्ट इक्वल पार्ट्स, ये क्वेश्चन पूछा गया था। और जो हिंदी में इसमें बताया गया था, कौन सी नदी हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिलों को लगभग दो बराबर भागों में बांटती है, तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। और जिन लोगों ने जो क्वेश्चन पेपर हमने पहले आपको बताए हुए इस चैनल हिम तक पर, जितने भी अगर जो जिन लोगों ने वो वीडियो देखी हुई है इस चैनल हिम तक की, तो उनको पता होगा कि इसका आंसर क्या है। परंतु जिन लोगों ने नहीं देखे वो आज इसको देख लीजिएगा और कोशिश करिएगा कि आप डेली एक बार इसको चेक कर लिया करो सोने से पहले, ताकि जो आपकी तैयारी एग्ज़ाम की वो अच्छे से हो सके। और जो भी क्वेश्चन आपके हिमाचल जी के, आपको पता किस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है, क्योंकि पैटर्न जो है पूरी तरह से बदल चुका है। क्वेश्चन नंबर 1 जो है, हिमाचल की कौन सी नदी सिरमौर जिले को लगभग दो बराबर भागों में काटती है, ठीक है, या बांटती है। तो जो इसका आंसर है वो है सी, गिरी, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर आपको ए जो 1 है, ठीक है, इसका आपको आंसर दे दिया हमने। क्वेश्चन नंबर 2 था, ठीक है, अब जो इंग्लिश वाले वो भी देखते रहिएगा और हिंदी वाले जो है वो भी इसमें इसको देखते रहिएगा, ताकि आपकी दोनों की तैयारी हो सके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 था, विच रीजन ऑफ HP गेट्स मिनिमम रेन एनुअली, ठीक है। हिंदी वालों के लिए क्वेश्चन था, हिमाचल प्रदेश के किस क्षेत्र में वर्ष भर में सबसे कम वर्षा होती है, ठीक है। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये आ रहा है। ऑप्शन थे, ऑप्शन ए था स्पीति, पांगी, सिराज या डोडरा कवर, ये आपके ऑप्शन थे, ठीक है। तो हिमाचल में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है आपको ये बताना था। तो इसका जो राइट आंसर था वो था स्पीति। HP एलाइड तहसीलदार क्लर्क के लिए जो भी तैयारी कर रही है वो इस क्वेश्चन पेपर को जरूर देखेगा अंत तक। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि इन बीच डिस्ट्रिक्ट ऑफ HP इन लामा डल लेक, ठीक है, ये आपसे पूछा गया था। लामा डल झील हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है, ये आपको बताना था। तो एक लैंग्वेज को हम सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, क्योंकि अगर आपको दोनों लैंग्वेज में बताने लगे तो फिर टाइम बहुत हो जाएगा, ठीक है। तो क्योंकि हिंदी में आपको ठीक रहेगा तो इसके लिए हिंदी में आपको पूरी जो जानकारी वो आपको देते हैं, ठीक है। तो इसका लामा डल झील जो है वो है ऑप्शन नंबर सी, चंबा में ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज ट्रिब्यूटरी ऑफ स्पीति रिवर, ठीक है। निम्नलिखित जलधाराओं में कौन सी जलधारा स्पीति नदी की सहायक है, क्वेश्चन नंबर 4। और इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ए, ठीक है, तेंगपो जो है ये स्पीति की जो सहायक नदी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, स्थानीय लोग हिमाचल प्रदेश को किस नदी को दुख का दरिया कहते हैं, ठीक है। विच रिवर ऑफ HP कॉल्ड बाय द लोकल पीपल एज द रिवर ऑफ सोरो, ठीक है, ये आपको बताना था। क्वेश्चन नंबर 5 है और इसका आपको आंसर बताना था। तो दुख का दरिया किसे कहा जाता है, तो ये जो सुवांग नदी है, ठीक है, इसको दुख का दरिया कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। अब इस पर एक प्रोजेक्ट चल रहा है, वो किसके सहयोग से चल रहा है वो आपको बताना है, ठीक है। जिन लोगों ने पिछली वीडियो देखी है उनको पता होगा कि किसने किसके सहयोग से इस नदी पर प्रोजेक्ट चल रहा है, ठीक है। तो कमेंट में बताइएगा अगर आपको पता है क्वेश्चन नंबर 5 का, ठीक है।
अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, कुल्लू घाटी के मणिकर्ण को किस देवता से जोड़ा जाता है। ये आपको बताना था कुल्लू घाटी के किस के मणिकर्ण को किस देवता से जोड़ा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन नंबर बी, शिव इसका सही था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग वाटरफॉल्स इज नॉट इन चंबा डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है और इसका आपको आंसर बताना था कौन सा जलप्रपात हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपको बताना था। ठीक है, तो इसमें चंबा में कौन सा नहीं है। ठीक है, सतधारा, कोपरा, कालिका या धनछो। ठीक है, तो ये आपको बताना था। अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बड़ा सिगड़ी। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, इन बीच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी चोलोंग पीक। ठीक है, ये पूछा गया था कि चोलोंग घाटी जो है या चोलोंग चोटी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में, ये आपसे पूछा गया था और इसका जवाब जो है वो आपको देना था। तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर डी, कांगड़ा में ये चोलोंग चोटी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन, ठीक है, या हिमाचल प्रदेश की कुल्लू घाटी में नहीं है। ठीक है, ये आपको बताना था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन कुल्लू वैली ऑफ हिमाचल प्रदेश एचपी। ठीक है, नेहरू कुंड, रोरिक आर्ट गैलरी, नागर कैस्टल, ठीक है, ये और तपोवन। ठीक है, आपको इसमें से जो सही था वो आपको बताना था। तो ये तीनों कुल्लू में। ठीक है, ये जो तपोवन है ये इसका सही आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, 1997 ईस्वी में शिमला जिले का कौन सा गांव आंध्रा नदी में बह गया था। ये आपको बताना था, आंध्रा नदी में कौन सा गांव बह गया था। तो मैंने आपको पहले ही बताया था, समझाने के लिए सिर्फ आपको ट्रिक में बताया था कि चिड़गाम जो चिड़ता बहुत है इसलिए बह गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, इन बीच लोकेलिटी ऑफ चंबा एज ए हरिराय टेम्पल। ठीक है, ये आपसे पूछा गया था, हरिराय मंदिर चंबा के किस इलाके में। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, चौगान। ठीक है, ये सही होगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, एट विच प्लेस इन ऊना डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी इन पीरनगा फेयर सेलिब्रेटेड, ये कहाँ मनाया जाता है। पीरनगा मेला जो है हिमाचल प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है। ठीक है, या ऊना जिले के कौन से स्थान पर मनाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर था वो है बिसोली। ठीक है, और अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, हिमाचल प्रदेश में कौन सा त्यौहार मुख्यतः गद्दियों द्वारा मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, विच फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड मेनली बाय गद्दीज इन हिमाचल प्रदेश। ठीक है, ये आपको बताना था, सांत, भोज, नवाला या भुंडा, ये इसका आपको सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी, जो नवाला है मुख्यतः ये गद्दियों द्वारा मनाया जाता है। ठीक है, कांगड़ा में देखते हो गए आप। ठीक है, नॉर्मली। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, ठीक है, विच मंथ इज नलवारी फेयर सेलिब्रेटेड इन बिलासपुर एचपी। ठीक है, हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में नलवारी मेला किस महीने मनाया जाता है, ये आपको बताना था और इसका जो ऑप्शन है वो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। ठीक है, बगाटी बोली हिमाचल प्रदेश के किस इलाके में बोली जाती है। इन बीच रीजन ऑफ एचपी बगाटी डायलेक्टिक स्पोकन। ठीक है, ये आपको बताना था। तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी है ये सही है, सोलन। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले में फ्रूट डिमोनस्ट्रेशन फॉर्म कहाँ पर है। ठीक है, ये आपको बताना था। तो इसका जो राइट आंसर था क्वेश्चन नंबर 18 का वो है स्लो। ठीक है, ये सही होगा। इसका क्वेश्चन को आप देख लीजिएगा एक बार, क्वेश्चन जो भी है वीडियो को आप पॉज कर लीजिएगा, आराम से देखिएगा। तो आपको कोई जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, अंत तक देखते रहेगा। फिर भी अगर आपको ना लगे पते तो आप कमेंट में बताइएगा, हम आपको ज़रूर बताने की कोशिश करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, हिमाचल प्रदेश बड़ी जमींदारी उन्मूलन अधिनियम को कब राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली थी। ठीक है, ये आपको बताना था। When did HP abolition of big landed estate act, ठीक है, receive presidential assent। ठीक है, ये आपको बताना था और इसका जो राइट आंसर था वो है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन वो आपको बताना था, धर्म नृत्य हिमाचल प्रदेश के किस क्षेत्र में मुख्यतः
जुड़ा हुआ है। अब जो आपको मैंने पिछली वीडियो में ये क्वेश्चन पूछा था और उसका आपको आंसर बताने के लिए कहा था मैंने, दानमरेत्रेय जो है इसमें चंबा, लाहौल, किन्नौर और कुल्लू बताए हुए थे, ठीक है। कुल्लू हिडिम्बा का मनाली से जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो बहुत से लोग इसको देखते होंगे, परंतु ये नहीं है, दानमरेत्रेय लाहौल स्पीति का ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में किस प्राचीन मनीषी को पूजा जाता था, ठीक है, तो इसका आपको जवाब देना था। पिछली वीडियो में भी ये क्वेश्चन आपसे मैंने पूछा था, इसका जो सही जवाब था वो है मारकंडे, ठीक है। ये मारकंडे जो है ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन था, हिमाचल प्रदेश के राणाओं और ठाकुरों के बारे में कौन से मुख्यतः सूचना स्रोत है, ठीक है, ये आपको बताना था। और जो इसका राइट आंसर था वो है, आपको बताना था, राजतरंगी, बैजनाथ की प्रस्तिया, चंबा रियासत में पाए जाने वाले शिलालेख या उपयुक्त डी, ठीक है, ऑल ऑफ द वो, तो ऑप्शन नंबर जो डी है इसका वो सही है बिल्कुल। अच्छा, अब क्वेश्चन था आपका कि अंथल के राणा को किस वर्ष ब्रिटिश सरकार द्वारा राजा की उपाधि दी गई थी, ब्रिटिश सरकार द्वारा दी गई थी, तो ब्रिटिश सरकार द्वारा कब दी गई थी आपको बताना, तो ऑप्शन नंबर जो ए है 1857 में दी गई थी, ठीक है, अंग्रेजों के सहयोग के लिए। एंटीविक्टीज ऑफ चंबा स्टेट के लेखक कौन है, एंटीक्विटीज ऑफ चंबा स्टेट के लेखक कौन है, ये आपको बताना था। पिछली वीडियो में क्वेश्चन ये पूछा गया था आपसे, तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है JPH बघेल, ये बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन था, त्रिगत के सुविख्यात घराने की किस मुखिया ने अपनी बेटी का विवाह किरा ग्राम के राणा से किया जो उसके महंतों में से एक था, ठीक है, ये आपसे पूछा गया था, तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है हृदय चंद्र, ये बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, 16वीं शताब्दी के मध्य के आसपास कुल्लू के किस राजा ने उन ठाकुरों को दमन कर दिया जो अक्सर उसकी सत्ता को चुनौती देते थे, यह आपको बताना था, और इसका जो है ऑप्शन नंबर डी बहादुर सिंह, ठीक है, बहादुर ने अपनी बहादुरी सेन का दमन कर दिया। क्वेश्चन को आप समझने के लिए इसको कोई भी अपने माइंड में ट्रिक बना सकते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं कि जो हम आपको बताए वो ही आपने करना है, जो भी ट्रिक हम आपको दे वो आप उसको अपने माइंड में सेट कर लीजिएगा। अच्छा, एक क्वेश्चन है, इंटरेस्टेड क्वेश्चन है ये, ठीक है, कांगड़ा के किस क्षेत्र के राणा ने पानी का मार्ग खोलने के लिए अपनी बहू की बलि बताई जाती है, ठीक है, ये आपको क्वेश्चन पूछा गया था HPPSC द्वारा, ठीक है, हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। और इसका जवाब देने से पहले मैं आपको बताऊँगा, इस ऐसी, ठीक है, मिलती स्टोरी जो है वो एक राजा थे, ठीक है, नाम अभी हम नहीं आपको बता सकते, चंबा के राजा थे, उनके द्वारा इसका सेम ऐसी इसी प्रकार से पानी की कमी करने के लिए बहू की बलि दी थी, ठीक है, तो ये दी थी, क्वेश्चन को समझिएगा आप, इसका जो ऑप्शन नंबर सी है चढ़ी, ये बिल्कुल सही है। अच्छा, आपसे अगला क्वेश्चन पूछा गया था, 28th ये क्वेश्चन नंबर है, कनिंगम के अनुसार कांगड़ा रियासत समूह में कौन सी रियासतें आती थी उस टाइम, ठीक है, तो रावी और सतलुज थी, तो ऑप्शन नंबर बी जो है रावी और ब्यास, नहीं, इसका जो ऑप्शन नंबर डी है रावी और सतलुज, ये बिल्कुल सही थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, ठीक है, कि हसन और बघेल निम्नलिखित में से किसे मोहम्मदन रियासत मानते थे, ठीक है, ये आपको बताना था, तो इसका जो है शाहपुर, ये बिल्कुल सही, इसको ये मोहम्मदन रियासत मानते थे, ये जो थे हसन और बघेल, ठीक है। अगला क्वेश्चन था, निम्नलिखित में कौन सी रियासतें गुलेर रियासत की उपजी शाखा आई थी, ठीक है, तो ये आपको बताना था, इसका जो क्वेश्चन नंबर 30 इसका जो राइट आंसर था वो है सिब्बा और दतारपुर, ठीक है, इसको आप स्क्रीन शॉट लेते जाएगा आप जो भी क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहे, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, 1615 ईस्वी के आसपास कांगड़ा आने वाला पहला यूरोपियन कौन था, ये आपको बताना था,
हु वाज द फर्स्ट यूरोपियन टू बेस्ट कांगा अराउंड 1615 AD, ठीक है, ये आपको बताना था। तो इसका जो ये थॉमस कोरियत है ये बिल्कुल सही है, क्वेश्चन को आप समझिएगा पूरा, ठीक है। पूछा हुआ कि यूरोपियन कौन था 1615 में, ठीक है, अभी अंग्रेज नहीं आए थे उस टाइम, ठीक है। तो ये थॉमस कोरियत पहुंच गए थे यहाँ पर, यूरोपियन थे, घूमने फिरने के लिए आए होंगे परंतु पहुंच गए थे, ठीक है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी कब खुली, कब चली थी, ठीक है, वो आपको पता होना चाहिए। 1631 अकबर के टाइम। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, कुमार सेन के किस राजा ने सांगरी किले पर अधिकार कर लिया और कुल्लू के राजा को कांगला और नांगी में हराया। तो इसका आपको आंसर बताना था, ठीक है, तो इसका आंसर आपको बताना है, ठीक है, क्वेश्चन आपके लिए, क्योंकि पिछली वीडियो में भी हम आपको बता चुके हैं। तो ये क्वेश्चन हम आपको अगले पार्ट में बताएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, बिलासपुर रियासत के किस राजा ने भूमि कर का कुछ भाग नकदी के रूप में या उपज के रूप में लेना शुरू कर दिया। तो इसका जो राइट आंसर था वो आपको बताना था, ये और जो पहला क्वेश्चन था इससे पहले वो हम आपको पिछले वीडियो में बता चुके हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हीरा चंद, ठीक है। हीरा चंद ने बिलासपुर रियासत के राजा थे ये, और इन्होंने जो है आपको पता होगा लगान वगैरह उस टाइम वसूली जाती थी, आज जिस प्रकार से टैक्स कलेक्ट करते हैं जनता से उसी प्रकार से ये उस टाइम लगान वगैरह वसूली जाती थी, और फिर जो इन्होंने थी नकदी और ये कुछ उपज के रूप में लेना शुरू कर दिया था। तो हीरा चंद इसका सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 है, बंगाल के किस राजा की मंडी के राजा सिद्ध सेन ने धोखे से हत्या कर दी थी। क्वेश्चन आपको समझना चाहिए पहले, बंगाल के किस राजा, ठीक है, ये बंगाल स्टेट जगह थी, एक स्थान था, ठीक है, और इसके जो राजा थे उन्होंने मंडी के जो राजा थे, ठीक है, सिद्ध सेन, मंडी के राजा सिद्ध सेन। क्वेश्चन आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है कि मंडी के किस राजा की हत्या धोखे से की गई थी, तो ये आपको पूछा जा सकता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो सिद्ध सेन होगा, ठीक है। तो सिद्ध सेन की धोखे से हत्या कर दी थी, तो ये जो ऑप्शन नंबर सी आपके प्रतिपाल, ठीक है, बंगाल के ये राजा थे और इन्होंने राजा जो सिद्ध सेन थे इनके प्रतिपाल की धोखे से हत्या कर दी थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बूढ़ा और सिंह नृत्य नाटक हिमाचल प्रदेश के किस क्षेत्र से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 35 है और इसका आपको आंसर बताना था, रोहडू जुब्बल इसका बिल्कुल सही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि किला लोहगढ़ हिमाचल प्रदेश के किस क्षेत्र में है, क्वेश्चन नंबर 36। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर बी ये पॉन्टा बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, चिन्मय संदीपनी हिमाचल आश्रम कांगड़ा जिले के निम्न में से किसके नजदीक है, ये आपको बताना था, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है योल, ठीक है, ये बिल्कुल सही होगा। अच्छा, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 38 है, आजाद हिंद फौज के प्रेरणात्मक गीत कदम कदम बढ़ाए जा के रचयिता कौन है। तो लाल सिंह ठाकुर इसका ये बिल्कुल सही होगा, ठीक है, हिमाचल का ये, ठीक है, ये आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टेड क्वेश्चन होगा, ठीक है। हिमालयस द अवार्ड ऑफ लाइट के लेखक कौन है। क्वेश्चन अगर मान लो कि मैं एग्जाम दे रहा होता तो अगर मैं कंफ्यूज होता तो ये तीनों जो ऑप्शन है बिल्कुल इसमें कंफ्यूज हो सकता था, परंतु जो दो है इनमें तो हम बिल्कुल कंफ्यूज थे, ठीक है। तो इसका जो है वो है ऑप्शन नंबर बी, निकोलस रोरिक। ये कहाँ के थे, सोवियत संघ के थे, ठीक है, और रोरिक आर्ट गैलरी वगैरह का अपने नाम सुना होगा, ठीक है, तो इन्हीं के नाम पर वो है, ठीक है। लुकिंग बैक किसकी आत्मकथा है, ठीक है, उस ऑटोबायोग्राफी इज टाइटल लुकिंग बैक, ये आपको बताना था। तो ठाकुर सेन नेगी, सत्यनारायण स्टोक्स, मेहर चंद महाजन, सोम रंजन, ठीक है, तो ये आपको बताना था इनमें से किसकी है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है मेहर चंद महाजन, लुकिंग बैक, ठीक है, इनकी ये आत्मकथा है, ठीक है, ये आपको बताना था। क्वेश्चन नंबर 41 पूछा गया था आपसे, त्रियुंड हिमाचल प्रदेश के किस जिले में, ठीक है, इसका पार्ट हमने पिछले कल बताया था आपके लिए, ठीक है।
तो अगर वो आपने नहीं देखा तो आज जिन लोगों ने नहीं देखा तो वो इस पार्ट को देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 त्रिउंड का है, वो है कांगड़ा में, ठीक है। कांगड़ा का है ऑप्शन नंबर सी पर। तो ये हम इसको थोड़ी जल्दी करेंगे, ठीक है, ताकि आपके जो माइंड में क्वेश्चन सेट होता जाए। शिशु जल विद्युत परियोजना किस दरिया पर है, तो इसका हमने आपको ऑप्शन बताया था ऑप्शन नंबर सी जो चिनाब, ये बिल्कुल सही है। अपंगों के लिए विशेष रोजगार कार्यालय 1976 में खोला गया था, ठीक है, ये आप देख लीजिए 1976 में। अगला क्वेश्चन था, हिमाचल प्रदेश के किस जिले में 2014 के मानसून के बाद अक्टूबर में सबसे अधिक वर्षा हुई थी, कहाँ हुई थी, सोलन में, तो ये सही है बिल्कुल, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, हिमाचल प्रदेश में वाइकेलों का छात्रावास कहाँ पर है, तो ये बेट बिलिंग, ये बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में सपनी किला कहाँ पर है, तो ये सांगला, बिल्कुल सही होगा, ठीक है। नान कोठी पंचकूला में सिरमौर के किस राजा ने बनाई थी, तो फतेह प्रकाश, ये बिल्कुल सही होगा इसका, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, हिमाचल प्रदेश के किस उपमंडल में 2014-15 हेपेटाइटिस बी और सी के अधिक केस पाए गए, तो ऑप्शन नंबर बी जो है लाहौल स्पीति, ये बिल्कुल सही हो गए, ठीक है। और अब भी हिमाचल की बात करूँ, 2019 आज है मार्च की 23 तारीख, ठीक है। अभी आपके जो एग्ज़ाम होने वाले उसमें एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। अभी जो जितने मंत्री वगैरह थे एडमिट वगैरह हुए थे, उस बीमारी का नाम क्या है, वो आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। क्वेश्चन ये है, ऑल इंडिया हॉट पैदल फुटबॉल टूर्नामेंट किस मैदान पर खेला जाएगा, ये खेला जा चुका है, तो मंडी के पांडल में खेला जा चुका है, ठीक है। उस टाइम ये क्वेश्चन पूछा गया था, हिमाचल प्रदेश राज्य युवक के अध्यक्ष कौन है, तो ये विक्रमादित्य थे, परंतु अभी मनीष ठाकुर है, ठीक है, वो आपको याद रखना होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, 800 मेगावाट की कोल डैम परियोजना में कितनी टर्बाइन है, ये टर्बाइन वगैरह भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। टर्बाइन से क्या होता है, बिजली की तरंगें उत्पन्न होती है, ठीक है, तो ये चार है कोल डैम में, ठीक है। और कहाँ पर है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। किस पर, शिमला में म्यूनसिपल कमेटी का स्थान म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने ले लिया, तो 1978, ये बिल्कुल सही होगा इसका। अगला क्वेश्चन था, शिमले की नर्व सेंटर टाउन हॉल इमारत का निर्माण पत्थर और लकड़ी से हुआ, वो कब बनी थी, तो वो 1908 में बनी थी, ठीक है। और इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और है, ठीक है, कि उन चंबा का जो अभी याद नहीं आ रहा है क्वेश्चन, ठीक है, तो अगली उसमें बता देंगे आपको, ठीक है। अगस्त 1972 में श्रीमती इंदिरा गांधी और जुल्फकार अली भुट्टो ने इमारत में शिमला समझौते पर हस्ताक्षर किए, ठीक है। चंबा का म्यूजियम जो था उससे रिलेटेड ये ओल्ड क्वेश्चन, जो पहले क्वेश्चन हम आपको बता रहे थे, ठीक है। चंबा का म्यूजियम जो है 1908-12 इसमें आपको क्वेश्चन आया था पहले, तो वो भी आप देख लीजिएगा कि कौन सा म्यूजियम कब बना, कौन सा पुस्तकालय कहाँ पर है, वो आपको पता होना चाहिए। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है, ये बिल्कुल सही है, शिमला समझौते पर यह हस्ताक्षर हुए थे इंदिरा गांधी और जुल्फकार अली भुट्टो के बीच, ये बारनस पोर्ट में, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में दूसरी हेरिटेज साइट कौन सी है, क्वेश्चन कल का ये, और इसका जो है ग्रेटर हिमालयन नेशनल पार्क कहाँ पर है, ये मनाली में, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, शिमला को किस वर्ष सरकारी तौर पर भारत की ब्रिटिश साम्राज्य की राजधानी या ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया गया, तो 1864 में, ठीक है, 1864 में इसको बनाया गया था लॉर्ड डलहौजी द्वारा, ठीक है। और हिमाचल प्रदेश में किस खंड को नाबार्ड द्वारा जनजाति विकास कार्यक्रम के अंतर्गत धनराशि मंजूर की गई है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है बिलासपुर उन्ना के आम में, ठीक है, सॉरी ऑप्शन नंबर जो सी है इसका बिल्कुल सही है। अगला है, हिमाचल प्रदेश परिवहन निगम या कॉरपोरेशन द्वारा किस बस अड्डे पर अपना स्टोर माल खोला गया था, ठीक है, वो आपको बताना था, और ऑप्शन नंबर जो बी है पालमपुर इसका सही होगा। HRTC की स्थापना कब हुई थी, 1974 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन था, हिमाचल प्रदेश में वर्ष 2013-14 में प्राथमिक क्षेत्र में वार्षिक दर वृद्धि क्या थी, तो 15.3, ये बिल्कुल सही होगा इसका। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, 2014 तक बैंकों के किस वर्ग ने हिमाचल प्रदेश में सबसे अधिक किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए थे, मैंने आपको पहले बताया था KCC बनती है, ठीक है, आपके पास जगह जमीन होनी चाहिए, फिर आप बैंक से 1,00,000 से जितने की KCC बनेगी आपको, बैंक आपको कर्जा देगा, फिर आपको
जितना आप उस बैंक से जो आपको केसीसी बनी हुई जितना उससे पैसे आप खर्च करोगे उसी पर आपको ब्याज देना होगा, बाकी जो बैंक में उस पर कोई ब्याज नहीं देना होगा। तो इसका जो है वो क्वेश्चन जो था कि किस क्रेडिट किस बैंक द्वारा सबसे अधिक क्रेडिट कार्ड बनाएंगे, तो ये वाणिज्यिक बैंक, ठीक है। और जो किसान क्रेडिट कार्ड है अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा चलाए गए थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला था, गांधी जी के अनुसार किसने भारत को कंगाल बना दिया, तो ये डी जो इसका रेलों ने, वकीलों ने, डॉक्टरों ने, सब ने भारत को कंगाल बना दिया, ठीक है। किस घटना को गांधी जी भारत की सत्याग्रह की शुरुआत मानते थे, ठीक है। तो ये ग्राम जो कस्टम्स, ठीक है, इसकी घटना को ये भारत का सत्याग्रह मानते थे गांधी जी, एक घटना मानते थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, गांधी जी ने अपने आज अहमदाबाद आश्रम को क्या नाम दिया था, ये आपको बताना था। तो इसका जो सत्याग्रह आश्रम, ये बिल्कुल सही होगा सी, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन आपके लिए भी, कौन सी तीन चीज़ें जिन्हें गांधी जी ने इंग्लैंड में ना छूने की कसम खाई थी, तो ऑप्शन नंबर डी जो महिला, शराब और मांस, ये बिल्कुल सही हो गया। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, गांधी जी की वो महिला कहाँ मिली थी जिसने असत्य से मुक्ति दिलाई थी, तो ये ब्राइटन, ये बिल्कुल सही है ऑप्शन नंबर बी इसका। और अगर आपको पूरी एक्सप्लेनेशन चाहिए इसकी, तो आप जो भी हम इस चैनल पर वीडियो अपलोड करते हैं उनको आप ध्यान से देखा करें, क्योंकि आज हम जो ऑफिशियल जो HPPSC द्वारा ये एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पेपर दिया गया था वो हम आपके लिए लेकर आए, परंतु जो भी हम इससे पहले वीडियो अपलोड करते वो आप ज़रूर देखा करें, और आप नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। अच्छा, अगला क्वेश्चन था, जापान का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ऑब्जा इसको कह सकते हैं अवार्ड, ठीक है, ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन गोल्ड एंड सिल्वर स्टार में किस व्यक्ति को हाल ही में नवाजा गया, 2015 में किसे नवाजा गया था, तो इसका जो है प्रोफेसर CNR राव, ये बिल्कुल सही है। ये भारत सरकार द्वारा प्रारंभ किए गए मिशन इंद्रधनुष क्या है, क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, और 2019 में जितनी भी स्कीम्स और जो योजनाएं चालू की गई है उनसे रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछा जा सकते हैं, क्योंकि अभी 2019 में इतने एग्जाम नहीं हुए हैं, तो उनमें से आपको सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे। तो आपको जितनी भी स्कीम्स वगैरह श्रम धन योगी या जो भी योजनाएं चलाई जा रही है इस प्रकार की, वो आप जरूर देखिएगा। तो इसका जो इंद्रधनुष का मकसद था वो है ऑप्शन नंबर सी, ये इम्यूनाइजेशन का या 2020 तक का सभी का प्रतिरक्षण या इम्यूनाइजेशन करना, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट में किस खिलाड़ी ने सर्वाधिक एकल खिताब जीते है, ये आपको बताना था, और इसका जो स्टैपिक ग्राफ, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। जो लोग इंग्लिश में देखना चाहते हैं वो इंग्लिश में देख सकते हैं, राइट साइड लेफ्ट साइड जो है आपके इंग्लिश में क्वेश्चन आ रही है सेम क्वेश्चन, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है, ठीक है, आपके स्क्रीन पर इसका जो ऑप्शन है वो आपको बताना था, ठीक है, कि चार्ली चैंपियन एयर का निर्देश किया गया था, क्वेश्चन को आप पूरा पढ़ लीजिएगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 2015, ठीक है। प्राण घातक इबोला ने दक्षिण अफ्रीका के किस भाग को महामारी का रूप ले लिया, तो क्वेश्चन नंबर जो 70 है तो ये पश्चिमी, ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर जो बी है बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, ईरान के साथ उसके नाम के ऊर्जा कार्यक्रम न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम के संबंध में वार्ता में शामिल देशों के अंतर्राष्ट्रीय समूह में सदस्यों के नाते एशिया के देश को पहचानी, तो ये चाइना है, ठीक है, धोखेबाज है ये। एक नई जलवायु परिवर्तन संधि पर बहस करने के लिए आगामी अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन 2015 के शहर में आयोजित किया गया है, तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी है पेरिस, ये बिल्कुल सही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, किस वर्ष को मेधाओं का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है, तो 2015 को जो इसका वर्ष अंतर्राष्ट्रीय मृदा वर्ष, ठीक है, घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन आपको बताना था, टेलीविजन प्रसारण में पदबंध या टर्म को करता है, ठीक है, ये आपको बताना था। इन टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग द टर्म DTH रेफर टू, तो ये आपको बताना था, डायरेक्ट टू होम, ठीक है। आपको मैंने कल भी बताया था इस क्वेश्चन को कि इसका जो चैनल है बहुत से चले गए थे और उसके लिए बहुत से चैनल कमेंट कर रहे हैं, ठीक है, वो आ रहे आपकी स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, भारत में कौन सा स्मारक पूर्ण रूप से वाईफाई है, ये आपको बताना था।
तो ताजमहल जो है ये पूर्ण रूप से वाईफाई है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, GSLB एक संगीत शब्द है जिसके लिए ये प्रयोग किया जाता है, तो उसका जो बी है बिल्कुल सही है। मैंने आपको पहले ही बताया था, रॉकेट वगैरह जितने भी जो भी जितने उपग्रह वगैरह लॉन्च किए जाते हैं, ठीक है, वो सब इसके द्वारा ही इसरो द्वारा भेजे जाते हैं, ठीक है। अब जो इसरो है, इसकी स्थापना कब हुई थी और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है, ठीक है, या चेयरमैन कौन है, वो आपको बताना है। अच्छी, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर संदेश में किसने ये प्रसिद्ध पंक्ति कही थी, योग भेदभाव नहीं करता संतुष्टि लाता है, तो ये बॉन की मोन ने कही थी, ठीक है, 2015 में। बॉन की मोन कौन थे, संयुक्त राष्ट्र संघ का आपने नाम सुना होगा, UNO का उनके ये जनरल सेक्रेटरी थे, ठीक है, साउथ कोरिया के थे ये। और अभी कौन है वो आपको बताना है, ठीक है, अभी संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है। क्वेश्चन नंबर 78, एक सबसे बड़े अधिग्रहण में फेसबुक ने इनमें से किसे खरीदा है, तो व्हाट्सएप को फेसबुक ने खरीदा है, जिस व्हाट्सएप को आप अभी चला रहे हैं उसको फेसबुक ने 2015 में खरीद लिया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, ब्रिक्स द्वारा पेमेंट की गई एक ब्रिक्स बैंक का नाम बदल कर ये हो गया है, तो ये न्यू डेवलपमेंट बैंक इसका नाम अब जो ब्रिक्स टाइप्स का कर दिया गया, ठीक है। किस देश में पहली बार एक महत्वपूर्ण लैंडमार्क एफोर्डेबल केयर एक्ट प्रस्तुत किया है, तो इसका जो राइट आंसर था वो USA, ठीक है। तो ये 80 क्वेश्चन जो है आज हम आपके लिए लेकर आए थे, ठीक है। बाकी जो रहते हुए क्वेश्चन है इसमें वो हम आपको अगले पार्ट में बताएंगे, तब तक आप बने रहेगा। और एक बात और बता देता हूँ, आपको अगर वीडियो अच्छी लगी, ठीक है, आपने पूरी वीडियो देखी है तो आपको, मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, क्योंकि ऑफिशियल जो जानकारी वो हम आपको देते हैं चैनल पर, जॉब्स की हो या ओल्ड क्वेश्चन पेपर हो, पूरे जो हल करके हम आपको देते हैं। तो आज के लिए इतना था, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर कर दीजिएगा व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर अपने दोस्तों को, ताकि अगर उनका एग्ज़ाम है तो उनके लिए भी ये हेल्पफुल हो सके। तो बने रहिए हिमता के इस यूट्यूब चैनल पर। आज के लिए इतना ही, नमस्कार, दीजिए इजाज़त, धन्यवाद, गुड नाइट, जय हिंद।